2150 स्पीकर, जो भाई जानते हैं ना, और जो नहीं जानते भाई उनको लगेगा क्या दिखा रहे हैं, बट जो जानते हैं उनके लिए सोना है एक तरह सोना से। है भाई, बिल्कुल सोना भैया है आप बताओ, आप ज्यादा अच्छी तरह से ब्रीफ करोगे भाई। ये आज हम आए हैं बिंद्रा मोटर्स में और हमारे साथ है गुरप्रीत जी। गुरप्रीत जी पहले तो हेलो कर दीजिए। हेलो। जो लोग गुरप्रीत जी को नहीं जानते बता दो, हमने सियास की वीडियो शूट की थी, नो डाउट बहुत अमेजिंग सेटअप था उसमें। जो हमने दिखाया था प्रेशर ट्रक वाला हॉर्न बेसिकली हमने आपको दिखाया था, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। गुरप्रीत जी आज क्या हम तबाही मचाने वाले? आज हम तबाही मचाने वाले क्रेटा 2020 की कुछ आइटम्स लेके आए हैं। ठीक है, बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे लेके आए हैं। हमारे पास फॉग लाइट मिल जाएगी क्रेटा की, जो ई मॉडल में लग के नहीं आती, बिल्कुल बेस मॉडल में, बेस मॉडल में जो लग के नहीं आती। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ओके। सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। ठीक है। क्रेटा 2020 का एंड्रॉइड प्लेयर मिल जाएगा जो 10 इंच का, 10 इंच के अंदर है और प्रॉपर फिटिंग के साथ है, प्रॉपर एज टू एज है। ये सारी चीज तो हमने दिखा दी और लास्ट में इसके प्राइस बताऊंगा भाई, ऐसे प्राइस हो गए ना जो तबाही मचा देंगे, तबाही मचा देंगे। और मेनली फोकस की तरफ चलते हैं, आज की वीडियो किसके ऊपर है हमारी? आज की वीडियो है हमारे पास मिस्टुबिशी की सीडिया आई है। ठीक है, उसके अंदर एक ऑडियो सेटअप कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे। बहुत नेक्स्ट लेवल ऑडियो सेटअप है, जिसमें थोड़ा सा हिंट दे दो क्या क्या रखा है इसके अंदर। वायरिंग हो रही है, जीरो गेज की वायरिंग हो रही है। बिग थ्री करा दिया, बिग थ्री करा है ताकि बैटरी ड्रेन ना हो, इलेक्ट्रिकल सेटअप में लोड ना पड़े। इसके अंदर थ्री वे कंपोनेंट लगे हैं, दो स्क्वायर सबवूफर लग रहे हैं इसके अंदर। ये गाड़ी तो शायद 2.0 है ना? ये हाँ, 2000 सीसी की गाड़ी। अभी आपने सोचा भी ना कि मित्सुबिशी की गाड़ी में ऐसा काम होगा, सब कुछ आगे आपको दिखाई। करते वीडियो स्टार्ट, मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट से देखिए। तो So guys, गाड़ी की तरफ जाने से पहले यहाँ पे आपको काफी सारे यूनिक यूनिक चीज दिखाएंगे, प्लस जो प्राइस आपको इधर मिलेगी ना नो डाउट कहीं भी नहीं मिलने वाली। तो स्टार्ट करते हैं इससे, हेडलाइट से। ये शिफ्ट 18 की हेडलाइट्स है, जैसे आपने अपनी कार में लगाई थी, बिल्कुल से, बिल्कुल वही चीज है। ये मारुति की जनरल लाइट्स होती, बट ये यूज लाइट्स होती है, रिफर्बिश कह सकते हैं इसको, यूज भी नहीं रिफर्बिश। सब कुछ वर्किंग होता है, सब कुछ जैसे DRL, HID, इसकी LED, सब कुछ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होता है और कोई तार वगैरह नहीं कटती। प्रॉपर प्लग एंड प्ले फिटिंग करके देंगे आपको और आपकी वारंटी में कोई दिक्कत। अब बारी आती है कॉस्टिंग की भैया, ये पड़ती है 9800 की, इंस्टॉलेशन सेपरेट है इसकी। ठीक है, ठीक है, बाकी जो भी होगा, जो बेस्ट से बेस्ट होगा आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं, जो यूनिक चीज है 5-channel एम्पलीफायर जो की पंक ऑडियो के, क्लास डी एम्पलीफायर है। ठीक है, क्लास डी, ये मोनो भी है इसके अंदर, 5 channel है। फ्रंट अलग हो जाएगा, रियर अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका सबवूफर अलग कर सकते हो आप इसमें सेटिंग। ठीक है, दो दो एम्प लगाने की आपको जरूरत नहीं है, एक ही एम्पलीफायर से एक नॉर्मल 300 RMS तक का सबवूफर चला सकते हो और काफी डिसेंट बेस रहती है कार। नेक्स्ट चीज की तरफ है, थोड़ा सा उस साइड की तरफ। अब जैसे आपको 5 channel का एम्पलीफायर दिखाया, उस हिसाब से आजकल ये काफी इन है, बुलेट ट्यूटर्स है, ये काफी लाउड रहते हैं। TS20 जैसे लोग पहले सुनते थे, आजकल उससे काफी अपग्रेड है और काफी लाउड है। अभी यही चीज हम उस सीडिया में भी इंस्टॉल कर रहे हैं, जो आगे आपको दिखाएंगे। ये कितने इंची का है? ये 2.5 इंची का है, उसमें वो 4 इंच का है, वो थोड़ा सुपर लाउड की तरफ है, बट ये डिसेंट लगता है, आराम से पिलर पॉट्स में भी और दरवाजे में भी जलब होकर लग जाता है। जो लेंसेज सीडिया में काम होगा भाई, वो बहुत अमेजिंग है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या इसमें आवाज निकाल के ले गया। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते अपना, ये जैसे पिछली बार आपको दिखाया था, आज भी हम दिखा रहे हैं पायनियर का प्रोसेसर। ये आपका ऐप से चलता है, ऐप से चलता है, हाँ जी, अपना आईफोन के साथ कोई भी एंड्रॉइड फोन हो उसके साथ लगा के इसकी सेटिंग कर सकते हो और ये हिडन रहता है, कहीं दिखता नहीं है, बट साउंड क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, साउंड क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट ये बॉशमैन का इक्वलाइजर है, बॉशमैन का, जैसे पिछली बार पंक ऑडियो का दिखा था, इस बार बॉशमैन का दिखा है। इसकी थोड़ी ये भी वैसे ही है, बस ये मैनुअल है, ये डिजिटल है, ये फर्क है इसके। अच्छा, बस दोनों में ये फर्क है, मतलब मैनुअल में मिल जाएगा हमको यहाँ पे और डिजिटल में मिल जाएगा। लास्ट में आपको हेलमेट वाले स्पीकर जो आते हैं पायनियर के, वो दिखाने हैं, वो भाई आप ढूंढते रह जाओगे, आपको मिले ही नहीं, बट इधर आपको मिल जाएगा। काफी सारे सामान है, कुछ कुछ सामान है जो इजिली मिल जाते हैं, कुछ ऐसे सामान है जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, रेयरेस्ट है और प्लस यूनिक भी और प्लस प्राइस रेंज जो बहुत रीजनेबल। अब गुरप्रीत जी नेक्स्ट चीज अपनी क्या है? ये MTX का कॉम्पैक्ट एम्पलीफायर है, T400, ये 4 channel एम्पलीफायर है और काफी कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, बहुत कॉम्पैक्ट है। पर चैनल क्या मिलता है? 75 watt RMS यहाँ पे हमको पर चैनल मिल जाती है। आगे की तरफ चलने से पहले गुरप्रीत जी मेरे को ये बताओ यार, ये वायरिंग क्या है? ये थोड़ा सा ये हीट श्रिंक कहते हैं इसे, जैसे हम टेप यूज करते हैं, ये टेप का एक ऑल्टरनेटिव है, इसमें हमें टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती वायरिंग को। कैसे यूज करते हैं? मतलब इसमें हमें बस ये वायर डालनी होती है इसके अंदर, ठीक है, और इसको हीट श्रिंक कर देना, तो इससे ग्रिप रहती है वायर, जैसे टेप जैसे गर्मी में मेल्ट हो जाती है, खुल जाती है, ये चीज खुलती नहीं है। तो ये सिर्फ हैवी सेटअप में जरूरत है? नहीं, हम तो हर सेटअप में ये यूज करते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए कस्टमर को, चाहे मेरा ओवरऑल सेटअप जो 300 RMS का तो भी यूज करूँ। हाँ बिल्कुल यूज किए। उसमें क्या होता है, जैसे ये थिम्बल लगाते हैं हम, इसको टेप कर देते हैं, ठीक है,
टेप क्या होता है, जब गाड़ी गर्म होती है तो टेप मेल्ट हो जाती है, खुल जाती है, ठीक है, खुल जाती है टेप। आप देखोगे 3 साल 2 साल 6 महीने बाद ये दिक्कत आती है, श्रिंक कर देंगे तो बिल्कुल टाइट रहेगी, ये वाटर प्रूफ हो जाएगी। अच्छा। इससे आपकी वायर ऑक्सीडाइज भी नहीं होती। अच्छा। जैसे कार्बन आ जाता है आपकी बैटरी वायर में, वो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, काली काली हो जाती है, वो दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। सेकंड चीज की तरफ चलते हैं, वो जीरो गेज की वायरिंग जितना मेरे को। हाँ, ये जीरो गेज की वायरिंग है। किसकी है ये? अकोस्टिका की है। अकोस्टिका की, ठीक है। जो स्पीकर वायरिंग भी आती है? जी जी, स्पीकर वायरिंग, सारी वायरिंग जो है बिग थ्री जो करा हमने वो सारा जीरो गेज से करा है, क्योंकि सबसे हैवी जीरो गेज होता है। इसे हल्का आता है 4 गेज, 2 गेज भी आता है आजकल, बट बेसिकली जो कॉमन मिलता है अवेलेबल, जो मैंने सुना बिग थ्री में जीरो गेज ही, जीरो गेज ही वर्थ है, क्योंकि बैटरी वायर मोटी होती है, प्रॉपर करंट जाता है अल्टरनेटर से। यहाँ पे आपको गुरप्रीत जी ने बहुत अच्छी सी नॉलेज दी। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, ये है एवेटार की स्नाइपर सीरीज। इसकी बात करना चाहूंगा, बेसिकली मेरी गाड़ी में यही लगे थे, जो मेरा रिव्यू था बहुत अमेजिंग थे, बजट फ्रेंडली है, ठीक ठाक है, बजट फ्रेंडली के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बजट में काफी अच्छी आवाज हमको मिलती है। इसके जो ट्विटर होते हैं बेसिकली सिल्क डोम ट्विटर होते हैं, आवाज नो डाउट काफी अच्छी है। अब नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, जो थोड़े सा इससे अपग्रेड है या फिर प्रीमियम क्वालिटी की तरफ चलते हैं, तो ये है स्टैग, मेड इन इटली, स्टैग इटालियन ब्रांड है बेसिकली। इसी खास बात बताना चाहूंगा, इसके जो लोअर फ्रिक्वेंसी हमको मिलती है परफॉर्मेंस में वो काफी इनफ मिलती है, प्लस इसका जो बेस रिस्पॉन्स है भाई बहुत अमेजिंग है, टिल नाउ बहुत मजा आ रहा है। ट्विटर की बात करना चाहूंगा, इसका जो ट्विटर हमको मिलता है 25 mm का ट्विटर मिलता है, जो कि सिल्क डोम ट्विटर है। अपने जो कंपोनेंट है वो 70W RMS के है। एक बार आपको लुक एंड फील दिखाऊं, जिसकी भाई बहुत अमेजिंग है, ये चेक करो, पीछे से भी आपको दिखाऊं, जैसे कि आप देख भी पा रहे होगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आजकल मार्केट में ट्रेंड होता है, कहते हैं इसके साथ क्रॉसओवर नहीं है। बिल्कुल सही, इसके अंदर इनबिल्ट क्रॉसओवर है। इसके अंदर क्या है, ये जो ड्राइवर है ना, इस ड्राइवर में क्रॉसओवर की जरूरत नहीं है, वो उस फ्रीक्वेंसी से ऐसे ट्यून हो रखा होता है कि इसमें क्रॉसओवर की जरूरत नहीं है। इसमें एक चोक होती है ट्यूटर के लिए, और ट्यूटर डायरेक्ट इसमें लग जाता है, तो सीधा प्लग एंड प्ले फिटिंग है, कोई इसमें ऑल्टरेशन नहीं करनी, कोई वायरिंग नहीं करनी, और इसकी फिटिंग काफी बेटर है नॉर्मल कंपोनेंट से। वारंटी वगैरह, बिल वगैरह, यूजर मैनुअल सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, जो मेरे को फोकल के बहुत प्यारे लगे, ये फोकल की K2 सीरीज है, K2 पावर सीरीज, K2 पावर सीरीज। हाँ, ये इसका क्रॉसओवर है, ये इसका ट्यूटर है, चेक करो पीछे, नो डाउट इसका क्रॉसओवर मेरे को बहुत प्यार लगा। ये फिनिशिंग पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लाइनेक्स कहते हैं, लाइनेक्स फिटिंग, आजकल जो थार वगैरह पे हो रही है ये वो चीज। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी, नॉर्मल ये चेक करो क्रॉसओवर, और ये जो ट्विटर है शायद जितना मेरे को आईडिया 25 mm का ट्विटर, 25 mm का सिल्क डोम ट्विटर है, चेक करो। कैबलर कोन है, कैबलर कोन के अंदर है ये स्पीकर। कैबलर कोन की थोड़ी खास बात बताओ, कैबलर कोन की इसकी डिस्टॉर्शन जो होती है वो कम होती है नॉर्मल से, बेस का पंच है ना काफी डीप पंच होता है। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते आगे, नेक्स्ट चीज अभी हमने जो कार के अंदर इंस्टॉल करा है, थ्री वे कंपोनेंट इंस्टॉल करा है, आप आगे देखोगे। हाँ, एक्सेस का फोकल के, हाँ फोकल की एक्सेस सीरीज है, थ्री वे। एक डैम्पिंग और आई है, ये भी आपको दिखाना चाहूंगा भैया, इस डैम्पिंग की क्या खास बात है, फोम बेस्ड डैम्पिंग है भैया। अच्छा, इसमें ये होता है, हाँ फोम है पूरी। इसमें क्या होता है, जैसे हम थ्री लेयर डैम्पिंग कराते हैं, एक अंदर लेयर करा देते हैं, एक ऊपर लेयर करा देते हैं, दरवाजे में भी लेयर करा देते हैं, होती मेटल है। बिल्कुल सही, मेटल पे जब वायर लगती है पावर विंडो की एल्युमिनियम की, तो एक आवाज आती है, नॉइस आती है, ये फोम जो है ना वो नॉइस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये हम इनर पैनल पे लगाते हैं, डैम्पिंग करते हैं, जैसे हम डिग्गी पे रैटलिंग नॉइस होती है, उसके लिए हम डैम्पिंग करते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, ये कर रही है। इसी हिसाब से हमारे पास रूफ की डैम्पिंग भी है, ये नहीं कि आपने नॉर्मल डैम्पिंग चुका दी, उसी हिसाब से रूफ की भी शायद फोम वाली आती है, फोम वाली आती है, और फ्लोरिंग की भी हमारे पास अलग से डैम्पिंग है। कंपोनेंट भी आपने देख लिया है, यूनिक एम्पलीफायर भी आपने देख लिया। अब चलते हैं स्टीरियो की तरफ, तो ये कौन सा स्टीरियो, और ये शायद जितना मेरे को आइडिया अल्ट्रॉस का है, ये अल्ट्रॉस का प्रॉप फ्रेम के साथ है, वैसे नहीं कि जैसे लोग स्क्रीन टांग देते हैं डैशबोर्ड पर माउंट करके, वो चीज नहीं है, प्रॉपर विद फ्रेम है, और इसके अंदर हम एम्बिएंट लाइट भी लगा, क्योंकि अल्ट्रॉस के टॉप मॉडल में एम्बिएंट लाइट आती है, इसमें हम एम्बिएंट लाइट भी लगा के देते हैं साथ में, बिल्कुल टॉप मॉडल वाली लुक है, और बिल्कुल स्नग फिट हो, कहीं से हिले ना, कहीं से आपका ये आवाज मारो तो हिले ना। तो यहाँ पे एक चीज डाउट कर रहे थे, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सेंट्रो का बहुत लोग, क्या सेंट्रो है? हाँ जी, हाँ जी। और सेंट्रो आपको पता है अपने टाइम की बहुत लेजेंड गाड़ी है, और सेंट्रो का फ्रेम मेरे को देख के लग रहा है कि लोग सेंट्रो का फ्रेम कहाँ से मिलेगा आपको, तो वहाँ पे दिखता है सेंट्रो का फ्रेम भी है, जैसे पहले हम बिना फ्रेम के फिट कर रहे थे ऑल्टर करके, बट अब ये फ्रेम हमने डेवलप करवाया सेंट्रो के लिए पर्टिकुलर, ओल्ड आइटन का टेस्ला से आजकल हॉट, ओल्ड आइटन ऐसे, मतलब आप इसमें भी आइटन ग्रैंड में भी टेस्ला लगवा सकते हो, ऐसे हमारे पास ओल्ड वैगनर, बलिनो, जितने भाई मेरे देख रहे भाई ये फ्रेम आपको मिल जाएगा, अगर सेंट्रो का जो भाई मेरे ढूंढ रहे थे और i10 का ढूंढ रहे थे टेस्ला स्टाइल, वो भी आपको मिल जाएगा। अल्ट्रॉस का जितने भाई का डाउट था कि अल्ट्रॉस का फ्रेम नहीं मिल रहा, वो आपको अवेलेबल होता है यहाँ पे मिल जाएगा। और ये हमारे पास क्रेटा 2020 का है, 10 इंच के अंदर दिखाया था, लोग मार्केट में 9 इंच भी लगा रहे हैं, तो हमारे पास 10 इंच में है,
और प्रॉपर आपका एंड्रॉइड 10 के अंदर है। नॉर्मली मार्केट में एंड्रॉइड 8 बिक रहा है, 9 बिक रहा है, ये हमारे पास एंड्रॉइड 10 है, ये सबसे लेटेस्ट है। टच वाइज बताऊं तो आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, टच काफी स्मूथ हमको यहाँ पे मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी में दिखाते हैं क्या क्या तबाही काम हुआ। फाइनली हमारी सीडिया 2.0 रेडी हो चुकी है, नो डाउट बहुत पुरानी गाड़ी है। चलते हैं फ्रंट की तरफ से, बोनर से स्टार्ट करते हैं अपना। लैंसर 2.0 है, ठीक है, लैंसर सीडिया 2000cc का पेट्रोल इंजन है। इसके अंदर हमने बिक्री करा है, बिक्री से ये बेनिफिट रहता है जो कार का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो वीक पड़ जाता है जब हम एम्पलीफायर और सबवूफर लगाते हैं, तो उससे इसको थोड़ा सपोर्ट मिलती है। कार की जो स्टॉक वाली होती है वो काफी पतली होती है, जीरो गियर से करने के बाद थोड़ा पावर सप्लाई में, वो जो हम हीट सिंक के अंदर बात समझा रहे थे वो कहाँ का यूज है, हीट सिंक क्या होता है वो यहाँ पे हमने यूज करी है। टेप से खराब हो जाता है, वो मेल्ट हो जाती है टेप, ये हीट सिंक लगा रखे, ये सारी हीट सिंक लगा रखे, टाइम एंड टेप बांध रखे। लोग क्या करते हैं इसमें टेप वगैरह यूज करते हैं बट वो टेप खराब हो जाती है, ये सारी हीट सिंक है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, ये प्रॉपर अर्थिंग दे रखी है, अर्थिंग दे रखी है, ठीक है, उस साइड है, ठीक है, ठीक है। पूरी की पूरी जीरो गेज की वायरिंग है जो कि एकॉस्टिका की अपनी, हाँ जी, बोनट में अपना इतना ही काम है, बोनट में अपना इतना काम है। और यहाँ से एकॉस्टिका से जीरो गेज की वायरिंग अंदर तक जा रही है, अंदर तक पीछे तक जा रही होगी, पीछे तक जा रही है। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक लगाया, उसके बाद एक 4 गेज की वायरिंग ली है, तो उससे 2 एम्पलीफायर चल रहे हैं। अंदर की तरफ चलते हुए स्टीरियो लगाया हमने, उसकी बात करते हैं। दरवाजा खुलते ही फ्रंट में हमारे MTX के बुलेट ट्यूटर लगे जो की 4 इंची के, 4 इंची के बुलेट ट्यूटर। यहाँ पे बात करते हैं इसकी, ये अपना पायनियर का कौन सा मॉडल है? ये पायनियर का 6850 है, डैश है ये। ओ भाई सब बहुत अमेजिंग लग रहा है जी। इसको आप टिल्ट भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो, इसको जैसे स्लाइड करना हो तो स्लाइड कर सकते हो इसको आप। और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं हमको यहाँ पे? इसके अंदर USB है, ऑक्स है, और इसके अंदर हमने एक ये अल्पाइन का साउंड फील्ड कंट्रोलर लगाया है इसके अंदर, एक तरीके का DSP कह सकते हैं इसे आप। नीचे इक्वलाइजर लगा रखा है हमने Kenwood का, और इसके अंदर हमने फोकाइल के 3-way कंपोनेंट लगाया है कस्टम पिलर पॉड्स बना के। जैसे कि आप पिलर पॉट देख पा रहे हैं बहुत अमेजिंग लग रहे हैं, ये 3-way अपने पूरे के 3-way, हाँ जी। इधर के साइड भी एक बार आपको दिखाऊं, और क्या क्या फ्रंट में क्या क्या चल रहा है? और फ्रंट में बस 3-way कंपोनेंट है, फ्रंट में ये चल रहा है, बाकी पीछे 2150 चल रहे हैं, 2 MTX के स्क्वायर बूफर लगे हैं इसके अंदर। एक बार आपको आउटपुट सुनाते फिर चलते हैं गुरप्रीत भैया पीछे की तरफ, दिखाते हैं क्या क्या हमारा सामान लगा है। ये कस्टम नॉब भी करी है इसके अंदर हमने, कस्टम नॉब जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे सुनाऊंगा आपको NCS, मेक श्योर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो वहां जाके जरूर फॉलो करें, वहां आपको पंजाबी गाने के साथ आउटपुट इस गाड़ी का मिल जाएगा। सुन लिया होगा, नो डॉट बहुत अमेजिंग आपको आउटपुट मिल रहा होगा। अब पीछे की तरफ बात करते हैं, पीछे का पार्ट हमारा रह गया था, यहाँ पे हमारे 2150 के 2150 लगाए इसके अंदर, कस्टम ट्रे बनवाई है, पूरी की पूरी वुडन ट्रे लगाई है। एक बार आपको ध्यान से दिख पा रहा होगा तो इसमें ट्विटर भी आपको दिख पा रहे होंगे थोड़े शाइन करते हुए।
ये चीज ऐसी है ना, एक बार मिल गई तो कोई देता नहीं है। पीछे की तरफ बात करना चाहिए, MTX का कितना RMS चला रहा है? 800 RMS का एक वूफर है, स्क्वायर वूफर है ये। स्क्वायर वूफर का बेनिफिट ये होता है, गोल से ज्यादा अच्छी बेस आती है। अच्छा, ये बेनिफिट होता है, एरिया ज्यादा बड़ा होता है ना इसका, राउंड स्क्वायर में एरिया ज्यादा होता है स्क्वायर का, स्क्वायर वूफर का जो बेस है वो ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू कोर वाले अपने। इसकी भी पेटी कस्टम बनी है, जैसे पेटी बनी है पीछे, आपको दिखने है, पीछे हमने कस्टम पीछे के हमने फोटो लिए वो मैं दिखा दूंगा डेफिनेटली। बताओ एक चीज मेरे को, बताओ ये पेटी जो है कितने हर्ट्ज पे चल रही है अपनी? ये 35 हर्ट्ज पे चल रही है। पीछे पूरी वायरिंग हमारी अच्छे से सारा चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें आप मेरे को बताया था एक बैटरी की जरूरत है। हाँ, इसमें एक रॉकेट लगाएंगे बाद में, 100 गेज वाली अपनी। ठीक है, तो ये कुछ हमारा सेटअप था, काफी सिंपल सोवर था बट ओल्ड इज गोल्ड वाला पूरा सेटअप है अपना। सो गाइस, जैसा कि आपने देखोगे अपनी लेंसर सीडिया में, नो डाउट यार मैं बोल नहीं सकता, ऐसी आवाज इसमें निकल रही है, मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास, लिटरली मैं स्पीचलेस हो सका। जो इसमें काम है वो एक तरह से सोना है, जो पुराने जैसे हम कहते थे ना ओल्ड इज गोल्ड, सेम काम इसमें है। अब बारी आती है, पहले तो इसकी तरफ जाने से पहले इसकी तरफ चलते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में क्रेटा का सामान दिखाया था, इसकी सामान की अब कॉस्टिंग की बात करते हैं। जी भैया, जैसे आजकल मार्केट में ट्रेंड है, कोई कंट्रोल 5,000 का लगा रहा है, 4,000 बोल देता है, बिल्कुल सही भैया। एक्चुअली क्या है, बोलने को तो कुछ भी बोल दो, लेकिन बाद में जब कस्टमर को पता लगेगा कि ये उसकी प्राइसिंग नहीं है तो वो चीज गलत होती है, एक बैड इंप्रेशन पड़ता है दुकानदार। बिल्कुल सही भैया, हमारा जो प्राइस है 1,666 रुपए है, जो इधर लिखा हुआ, जो लिखा हुआ है सर वही लेंगे। अच्छा, ठीक है, प्रोडक्ट का ये पैसे हैं, बाकी इंस्टॉलेशन हम एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि उसका स्टेरिंग खोलना पड़ता है, पूरा नॉमिनल इंस्टॉलेशन होगी वो लेंगे। फॉग लैंप में जो रेट लिखा होगा वही रेट, हाँ वही रेट, और जो सनग्लास होल्डर में लिखा होगा वही रेट, एमआरपी। जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे वो हम साथ में देंगे, बाकी जो जो काम होता है जितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग लेबर चार्जेस के। अब मेन चीज की तरफ चलते हैं, सोने की तरफ, हेलमेट वाले अपने 2150 स्पीकर, जो भाई जानते हैं और जो नहीं जानते भाई उनको लगेगा क्या दिखा रहे हैं, बट जो जानते हैं उनके लिए सोना है, एक सोना तरह भाई, बिल्कुल सोना भैया। आप बताओ, आप ज्यादा अच्छी तरह से ब्रीफ करो भाई। ये अपने आप में एक सब वूफर है, 8 इंची मिड बेस स्पीकर है, इसमें 2 ऊपर ट्यूटर्स लगे हैं। अच्छा। जो बंदा ये सुन लेता है ना, हाँ। वो ओवल वगैरह उसको समझ नहीं आता, ले लेता है, वो बेचता कभी नहीं, वो बेचता ही नहीं है, वो अपनी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर देगा या घर पे रख लेगा, वो एक गाड़ी लेगा उसमें इंस्टॉल कर देगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि भैया के पास क्या क्या सामान मिलते हैं, सारे रेयरेस्ट मिलते हैं प्लस सारे यूनिक मिलते हैं, और ये वाले सामान जितने भी आप यूनिक सामान देख रहे हो, रेयर सामान देख रहे हो, वो फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सीन है, जो पहले आएगा वो लेके चले आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉक है, ये बहुत मुश्किल से बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। और गाड़ी में जो सेटअप था कि तो बात ही अलग, वो चांस की बात है, कस्टमर आया था तो उसको पसंद आया तो उसने सारा कुछ इंस्टॉल, बिल्कुल सी बिल्कुल सी। उसमें एम्पलीफायर भी जो लगा, मैपल ऑडियो का एम्पलीफायर लगा उसके अंदर, और उसमें पाइनियर का 944 एम्पलीफायर लगा, और प्लस जो स्टीरियो है वो बहुत पसंद आ गया, वो भाई इंडस्ट्री, इसके साथ एल्पाइन का प्रोसेसर हो गया, मतलब बहुत कुछ लगा, साउंड प्रोसेसर हो गया अपने, मतलब वर्ड मैं बता नहीं पाऊंगा, इतनी सारी चीज लगी है, और लिटरली उसको हम प्राइस से जस्टिस नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज एक शौक है और इतने सारे सामान लगे, प्लस ओल्ड इज गोल्ड वाला सीन है, किसी को इतना प्यारा प्यारा काम कराना है ऑडियो का और रेयरेस्ट काम कराना है भाई, ऐसा काम ना देखो, कैसे आ सकता है, एक बार एड्रेस बताओ भाई। हमारे यहाँ सारे काम होते हैं, पहली बात इंटीरियर से लेके ऑडियो सिस्टम से लेके कस्टम पिलर पॉट हर चीज करते हैं हम। ठीक है, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसा काम करते हैं। ठीक है, मेरी शॉप जो है वो जनकपुरी में पड़ती है, शॉप का नाम है बिंद्रा मोटर्स, 7 डेज ओपन है। सो गाइस, ज्यादा कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको बिंद्रा मोटर्स का गूगल लिंक दूं, कहीं से भी आ रहे हो डायरेक्ट यहाँ पहुंचोगे। रुपेश जी मेरे को एक चीज बताओ, जितने भी स्टीरियो है जी, स्टार्टिंग रेंज कहाँ से होती है भैया? जैसे विद फ्रेम वाले जो स्टीरियोज होते हैं, जो प्रॉपर फिटमेंट के साथ, ठीक है, लमसम लगा के चलो 8,000 से स्टार्टिंग है, 8,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, बट एंड्रॉइड 10 के अंदर, ये नहीं कि एंड्रॉइड 8 पुराने वर्जन वाले, अच्छा, वो चीज नहीं, वो आप चेक, वो तो 6,000 रुपए भी मिल जाते हैं, वो डेफिनेटली आप ऑन द स्पॉट आके आप चेक भी कर सकते हो, भैया आपको चेक भी करा देंगे। एक बार गुरप्रीत जी नंबर ही बता दीजिए अपना। मेरा मोबाइल नंबर है 9871807131, और मेरा YouTube पे चैनल भी है, अच्छा, बिंद्रा मोटर्स के नाम से, उसमें भी आप देख सकते हो जो हम काम करते हैं, उसमें हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। आईडी भी है मेरी, बता दीजिए, बिंद्रा मोटर्स न्यू दिल्ली के नाम से। ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको गुरप्रीत जी का नंबर यहाँ पॉप अप कर दूंगा, इवन डिस्क्रिप्शन दूंगा, कोई सी भी गाड़ी का कोई सा भी डाउट XYZ आप डायरेक्ट कॉल, और यूनिक काम के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जितने भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम का लिंक है सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो, सब कुछ हमने ए से लेके जेड तक आपको बता दिया, प्लस काफी सारे नॉलेज आपके साथ शेयर कर दोगे। हीट श्रिंक वाली मेरे को बात पता नहीं थी, और शायद आप लोग को पता हो, कोई चीज ऐसी होती है गुरप्रीत जी जो मेरे को ना पता हो, लोगों को पता हो, वो चीज आप देखते रहते हो तभी आपको पता, शेयर करने से जितना बताएंगे कस्टमर को उतनी अवेयरनेस रहती है, और एक होता है कि बांटने से नॉलेज बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है, बिल्कुल। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है लाइक करें, बिना मत जाना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा
और यहाँ तक वीडियो देखिए सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं करना दोस्त फैमिली और सब तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। प्लस अगर लेंसर सीडिया में ऐसा काम नहीं देखा और पहली बार देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको ऑडियो सेटअप, कैसा लगा हेलमेट वाले स्पीकर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।